पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव ने कई मिथकों को तोड़ा है। कहीं पार्टी की जीत के बावजूद उनके बड़े नेताओं की हार हो गई, तो कुछ जगहों पर पार्टी भी हारी और उसके नेता भी हार गए। पंजाब में तो दिग्गजों की स्थिति सबसे बुरी रही। कांग्रेस तो चुनाव हारी ही, लेकिन जिन लोगों के ऊपर पार्टी को भरोसा था वे लोग चुनाव हार गए। सीएम उम्मीदवार से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दोनों ही सीटों से चुनाव हार गए। कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल दलित नेता के तौर पर किया ताकि पंजाब के दलितों का वोट पार्टी को मिल सके, लेकिन ना तो कांग्रेस को इसका कोई फायदा हुआ और ना ही चरणजीत सिंह चन्नी अपनी कोई भी सीट बचा पाए। कुछ ऐसी ही स्थिति पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की हुई। सिद्धू को घमंड हो गया था कि पंजाब में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को बर्बाद करने का जैसे बीड़ा उठा लिया था। अपने फायदे के लिए उन्होंने कांग्रेस के कलह को बढ़ा दिया, लेकिन जनता ने उन्हें मजा चखाया और सिद्धू अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चुनाव हार गए, तो किसान आंदोलन का फायदा उठाने के लिए भाजपा का साथ छोड़ने वाला बादल परिवार पूरी तरह से नाकाम रहा। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल भी चुनाव हारे और अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। यही नहीं, सुखबीर सिंह बादल के साले और हाई प्रोफाइल अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। हालांकि पंजाब में हारने वाले तो वैसे नेता हैं जिनकी पार्टी को भी लोगों ने नकार दिया, लेकिन उत्तराखंड में तो भाजपा की जीत के बावजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। उत्तराखंड में भी जनता ने हाई प्रोफाइल नेताओं को सबक सिखाया। कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कुठियाल भी चुनाव हार गए। कुछ ऐसी ही स्थिति यूपी की भी रही। उत्तर प्रदेश में भी कुछ बड़े नेताओं का पत्ता साफ हो गया। भाजपा छोड़कर सपा ज्वाइन करने वाले हाई प्रोफाइल नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बुरी तरह की हार का सामना करना पड़ा और कुछ नेताओं को काफी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पांच राज्यों में हुए चुनाव में इन बड़े नेताओं की हार से ऐसा लगता है कि जनता ने पार्टी और उम्मीदवारों के बीच फर्क किया है। ना तो केवल पार्टी के आधार पर उम्मीदवारों का चुनाव किया है और ना ही केवल उम्मीदवार के आधार पर पार्टी को जिताया है। अगर किसी पार्टी को समर्थन मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने क्षेत्र में काम नहीं करने वाले बड़े नेताओं को केवल पार्टी के आधार पर वोट दिया जाए। अब इन लोगों को भी अपने क्षेत्र के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ताकि आगे के चुनावों में जीत के लेके केवल बड़ी बड़ी बातें ना करें बल्कि गिनाने के लिए भी काम करें। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे हिंद टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।